हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में। क्या हमारा ग्रह पृथ्वी शुरू से ही ऐसा था जैसे अभी हमें दिखाई देता है, हरा भरा, सभी जीव जंतुओं के रहने लायक? या हमारा ग्रह पृथ्वी कितना पुराना है, इसके साथ क्या घटनाएं घटी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वैज्ञानिकों की स्टडी के अनुसार आज से करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उस समय पृथ्वी एक आग का गोला था और जिस वजह से पृथ्वी पर उस समय जीवन असंभव था, पृथ्वी की सतह पर कई सारे उल्कापिंड गिरते थे। उल्कापिंड अपने साथ आइस के क्रिस्टल्स लाए, जिस वजह से पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण हुआ। लेकिन उस समय फिर भी जीवन असंभव था क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जहरीले गैसेस थे और ऑक्सीजन नहीं था। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर फिर से उल्कापिंडों की बारिश हुई। इस बार वह पानी के साथ खनिज यानी मिनरल्स लेकर आए, जिस वजह से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने वाली थी। इसके बाद कई सारे केमिकल रिएक्शंस हुए, जिसके बाद समुद्र के अंदर छोटी छोटी कोशिकाओं का विकास हुआ, जो कि बैक्टीरिया के रूप में सामने आए और उन्होंने अपना विकास काफी तेजी से करना शुरू कर दिया। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले इन कोशिकाओं ने अपने आप को जोड़ना शुरू कर दिया और एक पत्थर जैसे आकार के लगने लगे और उन्होंने प्रकाश संश्लेषण भी शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक ऐसी चीज की उत्पत्ति की जिसने पृथ्वी को जीवन लायक बनाना शुरू कर दिया। उन सूक्ष्म जीवों ने ऑक्सीजन का निर्माण करा और वास्तव में इसके बिना जीवन असंभव था। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों में गतिविधि हुई, जिससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। उस वक्त तक पृथ्वी का एक दिन 18 घंटे के बराबर था और कई सालों तक पृथ्वी अपने आप को बदलती रही। फिर पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे पृथ्वी की सतह पर कार्बन की मात्रा काफी बढ़ गई और फिर अम्लीय वर्षा शुरू हो गई। इस वर्षा के कारण पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा काफी तेजी से कम होने लगा, जिसके कारण अब हमारा ग्रह पृथ्वी सूर्य की रोशनी को रोक नहीं पा रहा था, जिससे पृथ्वी का तापमान काफी तेजी से कम होने लगा। और फिर शुरुआत हुई सबसे लंबे आइस एज की। यह आइस एज काफी लंबे समय तक बना रहा, लेकिन समय के साथ साथ फिर से एक बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके कारण पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में फिर से कार्बन बढ़ने लगा। आज से करीब 54 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर आए आइस एज का बर्फ पिघल चुका था और उस समय समुद्र के अंदर कई सारे जीव पनप चुके थे, जिसमें से एनोमेलोकेरिस पिकाया जैसे जीव थे, जिसमें से पिकाया काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस जीव ने अपने अंदर रीढ़ की हड्डी का विकास कर लिया था। इतना विकास होने के बावजूद भी पृथ्वी के भूभाग पर विकास नहीं हुआ था क्योंकि उस समय सूर्य की रोशनी काफी तेज आ रही थी, इस वजह से समुद्र के अंदर ही विकास हो रहा था। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत का निर्माण होना शुरू हुआ, जिसके कारण अब पृथ्वी के भूभाग पर जीव जंतुओं का विकास होने वाला था। समुद्र में रहने वाली एक मछली टेक्टोनिक ने फैसला किया जमीन पर आने का और उसने अपने फिंक्स का उपयोग पैरों की तरह किया। धीरे धीरे यह जीव जमीन पर ज्यादा देर तक रहने लगे और समय के साथ साथ नए अंगों का विकास किया। करीब 1.5 करोड़ साल तक यह अपना विकास करते रहे। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले उन्होंने अपना विकास कर लिया और अब वो पूरी तरह से पृथ्वी की सतह पर रहने लायक बन गए, जिन्हें नाम दिया गया टेरापोड्स। आगे जाकर उन्होंने ही सभी जीव जैसे डायनासोर, बर्ड्स, मैमल और अंत में मनुष्य बने। यहीं से एक नए प्रजाति की शुरुआत हुई, पर पृथ्वी का बुरा वक्त शुरू होने वाला था। पृथ्वी पे फिर से एक बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसमें सभी पेड़ पौधे सूख गए और 95% प्रजाति का अंत हो गया। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान फिर से एक बार ठंडा होने लगा। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में गतिविधि हुई, जिससे नए भूभाग का निर्माण हुआ और जो बचे थे 5% प्रजाति, उन्होंने अपने आप को डायनासोर जैसे जीवों में विकास कर लिया था। अब पृथ्वी पर डायनासोर का राज शुरू हो चुका था। उस समय डायनासोर के साथ साथ मैमल्स यानी स्तनधारियों का भी विकास हुआ। वह मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर रहना शुरू कर दिया और इनकी यही खासियत आगे जाकर उनके काम आने वाली थी। मैमल्स और डायनासोर दोनों अपनी प्रजाति को अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ाते थे, जैसे डायनासोर अंडे देते थे और मैमल्स बच्चे पैदा करते थे। करीब 11 करोड़ साल तक डायनासोर ने पृथ्वी पर राज किया। फिर पृथ्वी पर प्रलय की शुरुआत होने वाली थी। स्पेस से 10 किलोमीटर का एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया।
जिससे पृथ्वी पर भूकंप, सुनामी, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी चीजें होने लगी, जिसके कारण सतह पर रहने वाले डायनासोर का अंत होना शुरू हो गया और उड़ने वाले डायनासोर पर पत्थरों की बारिश होने लगी जो एस्ट्रॉइड के टकराने से उत्पन्न हुई थी। इस समय पृथ्वी के वायुमंडल में धूल की मोटी परत जम गई थी, जिसके कारण सूर्य की किरणें वर्षों तक पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाई। पृथ्वी का तापमान भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था और बढ़कर 150 डिग्री तक पहुंच चुका था, जिसके कारण बचे कुछ डायनासोर भी मर गए। इस वक्त तक पृथ्वी पर 75% आबादी नष्ट हो चुकी थी। इस प्रलय के बाद डायनासोर का अंत हो गया और एक नई प्रजाति का उदय हुआ, मैमल्स। इन्होंने जमीन के अंदर रहकर अपने आप को बचा लिया और अपना विकास करते रहे और कई लाख साल बाद इन मैमल्स ने अपना आकार बड़ा कर लिया। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण तापमान करीब करीब आज के बराबर हो चुका था और इसका एक दिन भी करीब करीब 24 घंटे का हो चुका था। समय के साथ साथ मैमल्स ने अपने आप को एप्स में विकसित कर लिया, जो कि पेड़ पर रहते थे और अपना भोजन भी वहीं से प्राप्त करते थे। लेकिन समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा और वह जमीन पर खाने की तलाश में आने लगे, जिन्हें नाम दिया गया एडिपिटिकस रेमेडियस। कई हजार सालों के विकास के बाद इन्होंने दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे वे अच्छे से शिकार कर सकते थे। चलते चलते खाना शुरू किया, अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके नए औजार बनाए, आग पर काबू पाना सीखा और कई हजारों सालों तक विकास करके एंड में फाइनली मनुष्य में विकसित हुए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले गाइज, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। आजकल लोग एनिमल्स जैसे काउ एंड डॉग, इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, मारते हैं, अपनी छोटी मोटी वीडियोस बनाने के लिए इनको तकलीफ देते हैं। इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सभी लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही करते जा रहे हैं। बस मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, उन्हें भी बुरा लगता है। प्लीज़ उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें और जिनके सामने ये हो रहा है वो होने ना दे। इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।